हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 2 के टॉपिक स्विचिंग टेक्निक्स एंड देयर कंपैरिजन को समझेंगे। जैसे हमें पता है कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स या होस्ट मशीन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क्स जिसका प्रयोग हम होस्ट मशीन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन सबनेट या सिर्फ सबनेट कहते हैं। सबनेट के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस व स्विचिंग एलिमेंट्स। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है कि हमारे होस्ट को हमने नंबर दिया है ए बी सी डी ई एफ, इसे हमने कम्युनिकेशन सबनेट जो कि ब्लू कलर में है उसके द्वारा कनेक्ट किया है। कम्युनिकेशन सबनेट के अंदर आप देखोगे कि ये जो लाइंस हैं, ये इसको हम ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। इन ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा स्विचिंग एलिमेंट्स या स्विचिंग नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। स्विचिंग नोड्स को हमने नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम स्विचिंग टेक्निक्स का यूज क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए हम ये माने कि जो हमारी होस्ट मशीन बी है वो होस्ट मशीन ई के को डाटा भेजना चाहती है। तो होस्ट बी और ई के बीच में जो पाथ पॉसिबल है वो है, बी फर्स्ट स्विचिंग नोड को भेज देगा अपना डाटा, 1 सेकेंड स्विचिंग नोड को, सेकेंड थर्ड को, थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स स्विचिंग नोड, और सिक्स के बाद ये पहुंच जाएगा हमारे डेस्टिनेशन ई के पास। वैसे ही दूसरा पाथ पॉसिबल है, बी ने 1 को भेजा, 1 ने 4 को भेजा, 4 ने 5 को भेजा, 5 ने 6 को भेजा और 6 से E के पास पहुंच गया। एक और पाथ पॉसिबल है, B ने 1 को भेजा, 1 ने 4 को भेजा, 4 ने 7 को भेजा, 7 ने 6 को भेजा और 6 से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो यहाँ हमने देखा कि इस छोटे से नेटवर्क के अंदर भी बी और ई के बीच में 3 या 3 से ज्यादा पाथ पॉसिबल हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको डिसाइड करने के लिए स्विचिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। सोर्स और डेस्टिनेशन तक डाटा भेजने के लिए जब मल्टीपल पाथ पॉसिबल्स हैं तो उसमें से एक जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको सेलेक्ट करने के लिए स्विचिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। स्विचिंग एलिमेंट्स स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है, जो हमारा फिफ्थ वाला स्विचिंग एलिमेंट है वो 3 स्विचिंग लाइंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जो हमारा स्विचिंग नोड 6 है वो 4 ट्रांसमिशन लाइंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो जो हमारे स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी स्पेशल कंप्यूटर्स हैं जो दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब भी किसी इनकमिंग लाइन पर डाटा आता है तो स्विचिंग एलिमेंट एक आउटगोइंग लाइन को सेलेक्ट कर डाटा को उस पर भेज देता है। लार्ज नेटवर्क जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे पाथ पॉसिबल होते हैं, तो स्विचिंग टेक्निक्स के द्वारा सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य बेस्ट पॉसिबल रूट को सेलेक्ट किया जाता है। 3 प्रकार के स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अब हम सबसे पहले सर्किट स्विचिंग को देखेंगे। तो सर्किट स्विचिंग सबसे पुरानी स्विचिंग टेक्निक है। टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम के अंदर सर्किट स्विचिंग का यूज किया जाता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर
सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सबसे पहले एक फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। इस फिजिकल कनेक्शन के थ्रू सोर्स डेस्टिनेशन तक अपना डाटा भेजता है। एक बार डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिजिकल कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। और इसे समझने के लिए हमने इस फिगर को लिया है। इस फिगर के अंदर जो हमारा सोर्स कंप्यूटर है वो SW1 स्विचिंग ऑफिस के साथ कनेक्टेड है और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो SW6 स्विचिंग ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर जो सोर्स मशीन है वो सबसे पहले एक कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल SW1 स्विचिंग ऑफिस को भेजता है। इस कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल के हेल्प के द्वारा ही सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक एंड टू एंड फिजिकल पाथ बनाया जाता है। जैसे इस फिगर के अंदर शो है कि हर स्विचिंग ऑफिस के अंदर 3 इनकमिंग लाइंस हैं, वैसे ही 3 आउटगोइंग लाइंस हैं। जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे बनी हुई है स्विचिंग ऑफिस के अंदर, वो ये बता रहा है कि ये इनकमिंग लाइन इस आउटगोइंग लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स ने एक कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा। कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल यहाँ पे SW1 से होते हुए SW4 पे पहुंच गया, SW4 से SW3 पर पहुंच गया, SW3 से होते हुए वो SW6 तक पहुंच गया और SW6 से वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच गया। तो इस तरह से SW1, SW4, SW3, SW6 से होते हुए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक एंड टू एंड फिजिकल पाथ बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम सेंडर कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल डेस्टिनेशन को भेजता है। कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सेंडर और डेस्टिनेशन के मध्य स्विचिंग ऑफिस SW1, SW4, SW3 और SW6 के मध्य कनेक्शन बनाकर एंड टू एंड पाथ एस्टैब्लिश किया गया है। सेंडर और डेस्टिनेशन के मध्य एंड टू एंड कनेक्शन पाथ बनने पर डेस्टिनेशन द्वारा पाथ को एक्नॉलेज किया जाता है। सेंडर को एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होने पर ही वह डाटा को सेंड करता है। डाटा ट्रांसमिशन के पश्चात कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। इसलिए सर्किट स्विचिंग के अंदर 3 फेज होते हैं। सबसे पहला सर्किट एस्टैब्लिशमेंट, जिसके अंदर सेंडर ने एक कॉल रिक्वेस्ट भेजा। वो कॉल रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन तक जब पहुंचता है उस केस में फिजिकल पाथ सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बन जाता है। फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर क्या करता है, एक कॉल एक्सेप्ट सिग्नल या एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंडर को भेजता है। जब सेंडर के पास वो एक्नॉलेजमेंट पहुंचता है तो सेंडर को पता चल जाता है कि एंड टू एंड फिजिकल पाथ एस्टैब्लिश हो गया है। उस फिजिकल पाथ के ऊपर सेंडर अपने डाटा को भेज देता है और डाटा ट्रांसमिशन के पश्चात सर्किट को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है कि यहाँ पे ए हमारा सपोज सोर्स है, डी हमारा डेस्टिनेशन है, बी और सी हमारे बीच के स्विचिंग ऑफिसेस हैं। तो सबसे पहले सोर्स वाले स्विचिंग ऑफिस ने एक कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा। कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल बी स्विचिंग ऑफिस पर पहुंच गया। अब बी के पास जैसे ही कोई आउटगोइंग लाइन फ्री होगी, क्योंकि इतना टाइम बी स्विचिंग ऑफिस को लग रहा है आउटगोइंग लाइन को सेलेक्ट करने में, जैसे ही कोई आउटगोइंग लाइन फ्री होती है तो बी ने उस कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल को नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस को भेज दिया, जो कि हमारे केस में सी है। ऐसे ही सी के पास एक कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल भेज आया तो उसे भी कुछ टाइम लगा आउटगोइंग लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, और जैसे ही कोई आउटगोइंग लाइन फ्री हुई तो उसने नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस जो कि डेस्टिनेशन है डी, उसको कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल भेज दिया। तो यहाँ पे इतना टाइम हमें लग रहा है, इस पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे जाके हमारा फिजिकल पाथ बना है ए से लेके डी के बीच में। तो इस ड्यूरेशन में हमारा
फिजिकल पाथ एस्टेब्लिश हुआ है ए और डी के बीच में। तो यहाँ पे नोटिस करिए कि जो भी जितने भी इंटरमीडिएट यहाँ पे स्विचिंग ऑफिस आ रहे हैं सबके ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम डिले हो रहा है। तो कनेक्शन फिजिकल पाथ बनाने में हमें समय लग रहा है। एक बार कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो उसने कॉल एक्सेप्ट सिग्नल वापस सेंडर को भेज दिया। अब कॉल एक्सेप्ट सिग्नल भेजते हुए इंटरमीडिएट स्विचिंग ऑफिस पर कोई डिले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिजिकल पाथ अवेलेबल है। एक बार कॉल एक्सेप्ट सिग्नल सोर्स के पास पहुंच गया या सेंडर के पास पहुंच गया, अब सोर्स मशीन ने अपने डाटा को भेजा और डाटा भेजना जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर ये डेस्टिनेशन पर डाटा पहुंचने के बाद कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सर्किट स्विचिंग के अंदर 3 फेसेस हैं। सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से यहाँ तक हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जिसमें कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया, फिर कॉल एक्सेप्ट सिग्नल डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन से सोर्स तक आया, फिर डाटा ट्रांसमिशन फेज जहाँ पे डाटा को ट्रांसमिट किया गया, और लास्ट जैसे ही डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा तो जो हमने कनेक्शन बनाया था उसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्किट डिसकनेक्ट। तो सर्किट स्विचिंग में 3 फेज है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डाटा ट्रांसमिशन और सर्किट डिसकनेक्ट। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। सेंडर और रिसीवर के मध्य एक डेडिकेटेड एंड टू एंड पाथ यानी कि डेडिकेटेड पाथ को रिजर्व किया जाता है और इस डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल होने के कारण कोई डाटा कोलिशन की संभावना नहीं होती है क्योंकि सेंडर और रिसीवर के अलावा उस पाथ को कोई भी दूसरी होस्ट मशीन यूज ही नहीं कर सकती। जब यूज नहीं कर सकती उस पर डाटा भेज नहीं सकती तो कोई कोलिशन नहीं होगा। फिक्स डाटा रेट पर डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है और डाटा ट्रांसमिट करते वक्त इंटरमीडिएट स्विचिंग ऑफिस पर कोई ट्रांसमिशन डिले नहीं होता। जो ट्रांसमिशन डिले होता है सिर्फ सर्किट एस्टेब्लिशमेंट वाले फेज में होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो टेक्निक है ये बहुत ही इनएफिशिएंट है क्योंकि बैंडविड्थ रिजर्वेशन के कारण बैंडविड्थ प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती है या बैंडविड्थ वेस्ट होती है। सेंडर और रिसीवर के मध्य एंड टू एंड पाथ बनाने में बहुत समय लगता है जैसा कि हमने इस फिगर के अंदर देखा था, इतना टाइम हमारा सिर्फ पाथ बनाने में लग रहा है। तो फिजिकल पाथ बनाने में टाइम वेस्ट होता है और ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट टेक्निक है क्योंकि इस केस के अंदर बैंडविड्थ प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होती है, बैंडविड्थ का एक तरह से वेस्टेज होता है क्योंकि सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी उस बैंडविड्थ को यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारी स्विचिंग टेक्निक है मैसेज स्विचिंग। इस टेक्निक में सोर्स कंप्यूटर डाटा या मैसेज को स्विचिंग ऑफिस जिसे हम इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर भी कहते हैं को भेज देता है। इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर मैसेज को बफर कर लेता है, बफर में स्टोर कर लेता है और जैसे ही कोई नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस पे लिंक फ्री होता है और नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस पर उस मैसेज के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं होने पर वो डाटा को या मैसेज को अगले स्विचिंग ऑफिस को भेज देता है। इस तरह से बहुत सारे स्विचिंग ऑफिसेस को ट्रैवल करके जो हमारा डाटा है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। जैसे यही फिगर ले लें जहाँ पे हमारा सेंडर या सोर्स SW1 स्विचिंग ऑफिस के साथ कनेक्टेड है और S जो हमारा रिसीवर है या डेस्टिनेशन है वो SW6 स्विचिंग ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। तो फिजिक जैसे सर्किट स्विचिंग के अंदर तो यहाँ पे एक फिजिकल पाथ बनाने की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन मैसेज स्विचिंग में ऐसा कोई फिजिकल पाथ नहीं बनाया जाएगा। क्या होगा, जो सेंडर ने अपना पूरा मैसेज जो उसे
डेस्टिनेशन या रिसीवर को भेजना है, वो उसने पूरा का पूरा मैसेज SW1 के पास भेज दिया, फर्स्ट स्विचिंग ऑफिस के पास भेज दिया। आप फर्स्ट स्विचिंग ऑफिस क्या करेगी कि जैसे उसके पास कोई पाथ अवेलेबल होगा जो रिसीवर की तरफ जा रहा है, और उस रिसीवर पे भी नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस में इतनी जगह अवेलेबल है कि वो पूरे मैसेज को स्टोर कर सके। तो जैसे ही कोई लाइन फ्री होगी तो मैसेज पूरा का पूरा SW1 स्विचिंग ऑफिस से SW4 स्विचिंग ऑफिस के पास चला जाएगा। फिर SW4 से जो भी नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस है, सपोज हम यहाँ पे 3 मान लें, तो SW4 की जैसे ही कोई आउटगोइंग लाइन फ्री होगी तो SW4 SW3 स्विचिंग ऑफिस को पूरा मैसेज भेज देगा। फिर SW3 ने SW6 को भेज दिया, SW6 ने फिर रिसीवर को भेज दिया। तो इस तरह से हमारा मैसेज एक एक स्विचिंग ऑफिस से हॉप मतलब जंप करते हुए पहले SW1 के पास गया, SW1 से हॉप करके SW4 पे आ गया, SW4 से हॉप करके पूरा SW3 पे चला गया, SW3 से हॉप करके SW6 पर आ गया, SW6 से वो रिसीवर तक या डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो सेंडर और व रिसीवर के मध्य आने वाले सभी IMPs या स्विचिंग ऑफिस में मैसेज को बफर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि और स्टोर कब तक करना है, जब तक उसे नेक्स्ट आउटगोइंग लिंक फ्री नहीं मिल जाए, क्योंकि लिंक फ्री होगा तभी वो नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस को मैसेज को आगे भेज सकता है। इसलिए इस टेक्निक को स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। आप जो मैसेज है उसके साइज पे कोई लिमिट नहीं है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो सभी IMPs में इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि वो पूरे मैसेज को स्टोर कर सके। तो मैसेज स्विचिंग के अंदर जो हम स्विचिंग ऑफिसेस काम में ले रहे हैं, सर्किट स्विचिंग के अंदर ये जो स्विचिंग ऑफिसर्स थे इनके अंदर कोई मेमोरी की आवश्यकता नहीं थी या बहुत कम मेमोरी की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे मैसेज स्विचिंग के अंदर ये जो IMPs या स्विचिंग ऑफिसर्स हैं इनमें बहुत बड़ी मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें पूरे मैसेज को स्टोर करना होता है। तो मैसेज को स्टोर करने के लिए हर स्विचिंग ऑफिस या IMPs में मेमोरी का होना आवश्यक है। सभी इंटरमीडिएट IMPs रिसीव्ड मैसेज को ट्रांसमिशन एरर्स के लिए चेक करने के बाद अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो ही मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अगर मैसेज में कोई एरर होती है तो जहां से उसके पास ये मैसेज आया है उस स्विचिंग ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे वो स्विचिंग ऑफिस उस मैसेज को दोबारा से सेंड कर दे। तो हर स्विचिंग ऑफिस, हर इंटरमीडिएट IMPs रिसीव्ड मैसेज को ट्रांसमिशन एरर के लिए चेक करने के बाद ही मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे यहाँ शो किया है, ए हमारा सोर्स स्विचिंग ऑफिस है, डी हमारा डेस्टिनेशन स्विचिंग ऑफिस है। ए ने बी स्विचिंग ऑफिस को ये पूरा मैसेज भेज दिया। अब बी में ये कुछ देर के लिए स्टोर हो गया। जैसे ही बी स्विचिंग ऑफिस पे कोई आउटगोइंग लाइन नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस के लिए लिंक फ्री होगा तो यहाँ पे बी ने क्या किया, उसे आगे नेक्स्ट वाले स्विचिंग ऑफिस सी को भेज दिया। सी ने फिर जैसे ही कोई आउटगोइंग लाइन उसे फ्री मिली उसने उसे नेक्स्ट यानी कि डेस्टिनेशन डी को भेज दिया। तो पूरा मैसेज यहाँ पे एक ही पाथ फॉलो कर रहा है और पूरा मैसेज एक साथ ही एक स्विचिंग ऑफिस से नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस पर ट्रैवल करता है। तो यहाँ आप देख रहे हो फिगर के अंदर दो टाइम डिले शो कर रखे हैं, एक तो ये मैसेज को जब एक ने भेजा और दूसरे तक पहुंचा, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले,
क्योंकि ये सी से डी तक मैसेज को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है। वैसे ही हर स्विचिंग ऑफिस के ऊपर हमें क्या करना होता है, मैसेज को स्टोर, और स्टोर करने के बाद हम फॉरवर्ड करते हैं जब आउटगोइंग लिंक हमें फ्री मिलता है। तो हर स्विचिंग ऑफिस पे कुछ डिले हो रहा है, जिसको यहाँ पर हम कह रहे हैं क्यूइंग डिले। अब देखें कि मैसेज स्विचिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज है नो प्रोपेगेशन डिले, कि चैनल इज प्रॉपरली यूज, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिजिकल पाथ नहीं बनाया जाता है, सिर्फ दो स्विचिंग ऑफिसर्स के बीच में हम एक बार लिंक कनेक्ट करते हैं और उस लिंक को यूज करके मैसेज को कम्प्लीटली, पूरा का पूरा मैसेज एक स्विचिंग ऑफिस से दूसरे स्विचिंग ऑफिस को भेज देते हैं। इससे क्या होगा कि जो नेटवर्क में कंजेशन होने की संभावना है वो कम हो जाएगा, और ये मैसेज स्विचिंग हमारे सर्किट स्विचिंग से ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हम यहाँ पे चैनल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। मैसेज स्विचिंग सिस्टम कैन ट्रांसमिट ए सिंगल मैसेज टू सेवरल डेस्टिनेशन, एक ही मैसेज हम कई डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। इट इज हेल्पफुल इन सेटिंग द मैसेज प्रायोरिटीज ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। जैसे हम यहाँ पे देखें कि सपोज एक स्विचिंग ऑफिस है, यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन है, सपोज इस फिगर के अंदर तो 6 के साथ ही कनेक्टेड है, सपोज एक और डेस्टिनेशन है S, जो कि SW3 के साथ कनेक्टेड है, और तो जो मैसेज आ रहा है अलग अलग पाथ से फॉलो करते हुए या अलग रूट फॉलो करते हुए एक से ज्यादा डेस्टिनेशन को भेज सकते हैं। और जैसे ये SW1 के पास एक मैसेज आ गया, दूसरे और कोई इनकमिंग लाइन के ऊपर दूसरा मैसेज भी आ गया और तीसरा मैसेज भी आ गया। अब कौन से मैसेज को पहले भेजना है, किसके साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि सब पूरा का पूरा मैसेज यहाँ पे SW1 स्विचिंग ऑफिस के अंदर सेव है, तो हर स्विचिंग ऑफिस प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है कि कौन सी इनकमिंग लाइन को उसे पहले प्रेफरेंस देनी है और कौन सी इनकमिंग लाइन को बाद की प्रेफरेंस देनी है। तो मैसेजेस के बीच में हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और क्योंकि ये मैसेज स्विचिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करता है, तो इट इज हेल्पफुल इन सेटिंग द मैसेज प्रायोरिटीज ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। आउट ऑफ ऑर्डर या लॉस पैकेट की समस्या नहीं होती है, जो कि पैकेट स्विचिंग में होती है। तो पैकेट स्विचिंग को पढ़ते हुए ही समझते वक्त हम देखेंगे कि आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि सभी स्विचिंग ऑफिस पर डिले होता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस फिगर के अंदर देखा था कि यहाँ बी पर भी स्विचिंग डिले हुआ है और सी पर भी स्विचिंग डिले हुआ है। तो डिसएडवांटेज क्या है, सभी स्विचिंग ऑफिस पर डिले होता है। IMPs में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्विचिंग ऑफिस उस मैसेज को पूरा का पूरा स्टोर करना पड़ता है। इट इज एक्सट्रीमली स्लो ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, स्विचिंग ऑफिस में डिले हो रहा है, हर स्विचिंग ऑफिस में मेमोरी होनी चाहिए मैसेज को स्टोर करने के लिए, और स्लो है क्योंकि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करती है। नेक्स्ट स्विचिंग टेक्निक है पैकेट स्विचिंग। आप इंटरनेट के अंदर पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है और ये सबसे एफिशिएंट स्विचिंग टेक्निक है। आप पैकेट स्विचिंग में भी सेंडर और रिसीवर के मध्य रास्ते में आने वाले IMPs या राउटर्स भी स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैसेज स्विचिंग में तो मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता था, लेकिन पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स को ट्रांसमिट किया जाता है, और पैकेट्स के मैक्सिमम साइज पर अपर लिमिट लगाई गई है,
यानी कि उस लिमिट से हमारा पैकेट का साइज बड़ा नहीं हो सकता। जबकि मैसेज स्विचिंग के अंदर मैसेज के ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं थी, मैसेज कितना भी बड़ा हो सकता था और पूरा का पूरा मैसेज को हम एक साथ एक स्विचिंग ऑफिस से दूसरे स्विचिंग ऑफिस को भेज रहे थे। अब पैकेट का साइज इस अपर लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए जब बहुत बड़े मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है तो उसे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो बड़े मैसेज को हम क्या कर रहे हैं, छोटे साइज के पैकेट यानी कि छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और उन टुकड़ों को हम क्या कह रहे हैं, पैकेट। और इन पैकेट्स को पैकेट स्विचिंग में एक स्विचिंग नोड यानी कि एक आईएमपी से दूसरे आईएमपी तक ट्रांसमिट किया जाता है। लॉन्ग मैसेज को स्मॉलर साइज पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट करने का ये फायदा होता है कि कोई भी यूजर लंबे समय के लिए किसी भी लिंक पर कब्जा नहीं कर सकता, सबको लिंक यूज करने की बराबर चांस मिलती है। और इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले भी कम हो जाता है। ट्रांसमिशन डिले कम क्यों होगा, क्योंकि सबको बराबर चांस मिल रहा है तो जल्दी लाइन फ्री होंगी, जल्दी आउटगोइंग लाइन फ्री होंगी तो ट्रांसमिशन डिले भी कम हो जाएगा। और कम पैकेट, पैकेट का साइज छोटा है तो कम बिट्स को एक स्विचिंग ऑफिस से दूसरे स्विचिंग ऑफिस तक भेजने में भी टाइम कम लगने वाला है, तो ट्रांसमिशन डिले भी कम हो जाएगा। सभी पैकेट सेम या डिफरेंट रूट को फॉलो कर सकते हैं। अगर सभी पैकेट सेम रूट को फॉलो करते हैं तो उसे वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग कहते हैं, और अगर सभी पैकेट्स डिफरेंट रूट को फॉलो करते हैं तो उसे डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर देखिए कि यहाँ पे ए हमारा सोर्स है, बी हमारा डेस्टिनेशन है, या ए सेंडर है, बी हमारा रिसीवर है। अब ए को मैसेज भेजना है बी को, इस मैसेज को हमने चार पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पैकेट को हम एक सीक्वेंस नंबर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, जिससे हम इन पैकेट्स को आइडेंटिफाई करें। ए ने ये पैकेट्स जिसके साथ स्विचिंग ऑफिस S1 के साथ कनेक्टेड है तो S1 स्विचिंग ऑफिस को भेज दिया। S1 ने क्या किया कि 1 और 4 पैकेट तो S2 स्विचिंग ऑफिस को भेज दिए और 2 और 3 उसने S3 स्विचिंग ऑफिस को भेज दिया। अब S2 ने क्या किया, 1 वाला स्विच पैकेट S4 स्विचिंग ऑफिस को भेज दिया और 2-4 वाला S3 स्विचिंग ऑफिस को भेज दिया। तो S3 के पास 3 पैकेट पहुंच गए जो कि है 2, 3 और 4। अब S4 के पास जो 1 वाला पैकेट आया था वो उसने S6 को भेज दिया और S6 से वो हमारे रिसीवर बी के पास पहुंच गया। तो सबसे पहले 1 वाला पैकेट पहुंच गया। अब S3 ने क्या किया, 2 वाला पैकेट S4 को भेज दिया, S4 ने उस 2 वाले पैकेट को S5 को भेज दिया। ऐसे ही S3 ने जो उसके पास 4 और 3 आए थे तो पहले 3 को भेजा, फिर 4 को भेजा, किसको, S5 वाले स्विचिंग ऑफिस के पास। तो S5 ने सबसे पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर बाद में 2 आया और इस ऑर्डर में ये पैकेट्स उसने S6 को भेज दिए और S6 ने उसे रिसीवर B के पास भेज दिया। अब सेंडर ने तो भेजे थे 1, 2, 3, 4, रिसीवर के पास पहुंचे हैं 1, 3, 4, 2। तो ये जो पैकेट्स का सीक्वेंस नंबर है ये चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो गए, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। जो बी के पास पैकेट आए हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर आए हैं, मतलब उस सीक्वेंस में नहीं आए हैं। और आउट ऑफ ऑर्डर आने के कारण रिसीवर बी क्या करेगा, इन सभी पैकेट्स को रीऑर्डर करेगा और फिर काम में लेगा
और रीऑर्डर का मतलब है वापस अरेंज कर लेगा 1 2 3 4, और रीऑर्डर किस हिसाब से करेगा, जो पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर दिए गए हैं, तो सीक्वेंस नंबर के द्वारा जो हमारा रिसीवर है वो इन पैकेट्स को वापस अरेंज कर लेगा। सभी पैकेट सेम या डिफरेंट रूट फॉलो कर सकते हैं, तो जो हमने देखा यहाँ पे हर पैकेट ने डिफरेंट रूट फॉलो किया है। तो ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट लॉस हो सकते हैं, इसलिए पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सभी पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाता है। लॉस भी हो सकता है और रीऑर्डर करने के लिए भी हमें सीक्वेंस नंबर की जरूरत पड़ती है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर सभी पैकेट्स को हम एक सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं और सीक्वेंस नंबर के द्वारा लॉस पैकेट्स और पैकेट्स को रीऑर्डर किया जाता है। और जब भी कोई पैकेट लॉस होता है तो ये मैस इंफॉर्मेशन सेंडर को भेजी जाती है और सेंडर फिर उन पैकेट्स को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देता है। हर पैकेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें भेजनी होती है और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम हेडर में स्टोर करते हैं। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, क्योंकि जो हर स्विचिंग ऑफिस है वो डेस्टिनेशन के एड्रेस पर ही डिसाइड करती है कि कौन से आउटगोइंग लाइन पर पैकेट को आगे भेजना है। अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो ये इंफॉर्मेशन भेज देते हैं सेंडर को, जिससे वो पैकेट को रीसेंड कर सके। और इंटरनेट के द्वारा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का यूज किया जाता है। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है कि जो हमारा मैसेज है उसको हमने 3 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। पैकेट 1 यहाँ पे ए से बी के पास पहुंचा, फिर पैकेट 2 पहुंचा, फिर पैकेट 3 पहुंचा। अब पैकेट 2 पूरा पहुंचा नहीं, उससे पहले ही पैकेट 1 को हमने आगे ट्रांसमिट कर दिया सी के पास, और फिर सी ने उसे डी को ट्रांसमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये मैसेज स्विचिंग होता तो ये पूरा मैसेज आने के बाद ही बी उसको आगे ट्रांसमिट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैसेज को छोटे पार्ट्स में पैकेट्स में डिवाइड किया है, और जैसे ही एक पैकेट किसी भी स्विचिंग ऑफिस के पास पहुंचता है तो वो पैकेट को आगे भेज सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ पैकेट्स को स्टोर करने लायक मेमोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन भले ही मेमोरी कम काम में आ रही हो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विचिंग ऑफिसेस में, लेकिन जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है वो पैकेट स्विचिंग के आईएमपीस में ज्यादा होनी चाहिए बजाय मैसेज स्विचिंग के अंदर। तो जो स्विचिंग ऑफिसेस हैं यहाँ पे उनके अंदर हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज की आवश्यकता होती है। तो एडवांटेजेस क्या है, पैकेट स्विचिंग इज मोर फॉल्ट टॉलरेंट देन सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग डस नॉट वेस्ट बैंडविड्थ एंड दस इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये जो स्विचिंग टेक्निक है यह बैंडविड्थ सबसे ज्यादा प्रॉपरली यूटिलाइज होती है, इसलिए यह सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। हाई डाटा ट्रांसमिशन क्वालिटी। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट लॉस हो सकते हैं, इसलिए पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हर पैकेट को साथ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है जो कि हेडर में है, और हर पैकेट को हमें एक सीक्वेंस नंबर असाइन करना पड़ता है। आईएमपीस में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, आईएमपी राउटर्स रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर, और आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट की समस्या होती है क्योंकि सभी पैकेट्स अलग रूट को फॉलो कर सकते हैं, और अलग रूट फॉलो करने के कारण जो उनका ऑर्डर है वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते गड़बड़ हो जाता है आगे पीछे, तो उन्हें रीऑर्डर करने की जरूरत होती है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट की समस्या होती है। एक बार हम इनको आपस में कंपेयर कर लें। सर्किट स्विचिंग के अंदर एंड टू एंड पाथ एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है। मैसेज स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई एंड टू एंड पाथ नहीं बनाया जाता, वैसे ही
पैकेट स्विचिंग के अंदर भी सेंडर और रिसीवर के बीच में हम एंड टू एंड पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते। सर्किट स्विचिंग के अंदर डाटा इज ट्रांसफर्ड इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ बनाएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, फिर डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, फिर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देंगे। मैसेज स्विचिंग के अंदर हमारा पूरा का पूरा मैसेज एक आईएमपी से दूसरे आईएमपी पे ट्रांसमिट होगा। जैसे ही कोई आउटगोइंग लाइन हो फ्री होगी, वो आईएमपी नेक्स्ट आईएमपी को फॉरवर्ड कर देगी। तो इस तरह से बहुत सारे आईएमपी से होते हुए हमारा डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा और हर आईएमपी पे स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग में क्या है, डाटा को हम वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर पैकेट में कुछ हेडर इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, सीक्वेंस नंबर जैसे। पैकेट्स आर रैंडमली ट्रांसमिटेड एंड देन रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन। की पैकेट को सब पैकेट अलग अलग रूट फॉलो करते हैं और रिसीवर फिर उनको रीअसेंबल कर लेता है। किस तरह से रीअसेंबल करता है, पैकेट के सीक्वेंस नंबर को यूज करके, क्योंकि हर पैकेट को एक नंबर दिया गया है, उस नंबर का प्रयोग करके पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट्स को रीऑर्डर किया जाता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर डाटा को स्टोर नहीं करते। मैसेज स्विचिंग के अंदर डाटा को पूरा मैसेज को स्टोर करना पड़ता है, फिर आगे भेजते हैं। पैकेट स्विचिंग में सिर्फ पैकेट को स्टोर करना है और फिर देन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट नोड। इन सर्किट स्विचिंग डाटा इज प्रोसेस्ड एट द सोर्स सिस्टम ओनली। जहां सेंडर भेज रहा है सिर्फ वहां पे प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ती है। मैसेज स्विचिंग के अंदर डाटा को हर इंटरमीडिएट आईएमपी पर या स्विचिंग ऑफिस पर प्रोसेस किया जाता है ट्रांसमिशन एरर के लिए। पैकेट स्विचिंग के अंदर हर इंटरमीडिएट नोड के ऊपर हमें पैकेट्स को प्रोसेस करते हैं। सर्किट स्विचिंग के अंदर और मैसेज स्विचिंग के अंदर पूरा मैसेज एक ही पाथ फॉलो करता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट्स अलग पाथ को फॉलो कर सकते हैं। और सर्किट और मैसेज स्विचिंग के अंदर सेम पाथ फॉलो करने के कारण इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी, कोई भी इधर उधर नहीं होता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं। सर्किट स्विचिंग के अंदर हमें रिसोर्सेस यानी कि बैंडविड्थ को पहले एलोकेट करना होता है, इसलिए रिसोर्सेस आर एलोकेटेड बिफोर डाटा ट्रांसफर। मैसेज स्विचिंग के अंदर नो रिसोर्सेस आर एलोकेटेड। वैसे ही डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग के अंदर भी हम रिसोर्सेस को एलोकेट नहीं करते हैं। सर्किट स्विचिंग सबसे इनएफिशिएंट है, उससे एफिशिएंट मैसेज स्विचिंग है और सबसे एफिशिएंट हमारी पैकेट स्विचिंग है। इन सर्किट स्विचिंग चार्ज, क्योंकि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए जो हमारे स्विचिंग ऑफिसर्स हैं, जो उनके ओनर हैं, वो हमसे कुछ चार्ज लेते हैं। तो जो चार्ज है वो डिपेंड करता है टाइम और डिस्टेंस के ऊपर कि कितने टाइम हमने उस लिंक को यूज किया है, बैंडविड्थ को यूज किया है और कितनी दूरी है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में जो चार्ज लग रहा है वो बेस हो रहा है नंबर ऑफ बाइट्स और डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स एंड कनेक्शन टाइम के ऊपर के बेसिस पे चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।